क्लोजर मेथड, क्लोजर मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोजर मेथड जो है डीबीएमएस में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेथड हेल्प करता है आपको टू फाइंड ऑल द कैंडिडेट कीज इन द टेबल। मतलब आपके पास अगर एक टेबल गिवन है, उस टेबल में जितनी भी कैंडिडेट कीज पॉसिबल है, अगर मुझे उनको फाइंड करना है तो मेरे को एक ही मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज द क्लोजर मेथड। और हम गाइस बात कर रहे हैं उस टाइप के टेबल्स की जिसमें आपको एसआईडी, एस नेम, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट्स नहीं दिए होंगे, जर्नल टेबल दिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। जैसे एक रिलेशन दी है, रिलेशन वी ऑलरेडी नो रिलेशन मींस टेबल। उस टेबल में चार एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी एंड डी, और वी हैव गिवन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, सी गोज टू डी। ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोजर मेथड। करना क्या है आपको, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी ए, सो वी डिनोट विद ए प्लस, दैट इज द क्लोजर। सो वी आर फाइंडिंग द क्लोजर ऑफ ए। सो द मीनिंग ऑफ क्लोजर इज कि व्हाट ए कैन डिटरमाइन, व्हाट ए कैन डिटरमाइन। तो वी ऑलरेडी नो ए इज डिटरमाइनिंग बी, A is determining B. From the functional dependency 1, you can clearly check कि A determine कर रही है B को. तो मैंने लिख दिया A के closer में B. अब B C को determine कर रहा है. मतलब B जो है वो C को determine कर रहा है and A B को determine कर रहा है. तो this is what a transitive property. Transitive property is what, like अगर A B को determine कर रहा है and B C को determine कर रहा है. तो this is what common. मतलब ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यू कैन क्लियरली से कि ए कैन डिटरमाइन सी थ्रू बी। तो ए इज डिटरमाइनिंग सी ओवर देयर। तो मतलब यहां पे ए ने बी एंड सी दोनों को डिटरमाइन कर लिया। अब सी आगे डिटरमाइन कर रहा है डी को। यहां पे बहुत ही आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा, सी अगर डी को डिटरमाइन कर रहा है तो यानी ए डी को भी डिटरमाइन कर सकता है थ्रू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ए खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्सिव सेल्फ लूप काइंड ऑफ ए, लाइक ए इज व्हाट अ काइंड ऑफ रोल नंबर। इफ आई से ए इज अ रोल नंबर, सो अ रोल नंबर कैन डिटरमाइन इटसेल्फ। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम कैन डिटरमाइन इटसेल्फ। तो ए ए को तो डिटरमाइन कर ही सकता है, उसके अलावा क्या डिटरमाइन कर रहा है, बी सी एंड डी। तो जब हमने ये चेक कर लिया क्लोजर मेथड, अब चेक करो कि ए के क्लोजर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आए, ए बी सी एंड डी, और चेक करो कि टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी सी एंड डी। मींस ए टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की एक ऐसी की है जो टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, अगर आपको उनके अंदर कंफ्यूजन हो रही है तो उनको आप डिटरमाइन करवा सकते हो थ्रू कैंडिडेट की। तो यहाँ पे क्लियरली आई कैन से कि ए इज अ कैंडिडेट की इन द टेबल। तो अगर हम कैंडिडेट की का सेट बनाए यहाँ पे, तो मेरे पास फर्स्ट आंसर मिल गया उसमें ए। बट गाइस यहाँ पे रुकना नहीं है, बिकॉज जो कैंडिडेट कीज का जो फंडा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड में बीसीएनएफ में यूज होगा, जहां पे आपको सारी कैंडिडेट कीज फाइंड करनी पड़ेगी उस टेबल में। तो लेट्स स्टार्ट विद द बी प्लस। अगर हम बी प्लस का क्लोजर चेक करें, तो एज वी ऑलरेडी नो बी कैन डिटरमाइन बी, इट इज अ रिफ्लेक्सिव, खुद को डिटरमाइन कर रहा है। अब चेक करो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी से। सो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में B can determine C, तो यानी B C को determine कर रहा है। It is a direct, direct है तो आप सीधा लिख सकते हो। And C is determining D, means through transitive B D को भी determine कर रहा है। But यहाँ पे देखो guys कि B A को determine नहीं कर पा रहा, तो यानी B B C D को तो determine कर रहा है, but A को determine नहीं कर रहा, तो means B cannot be a candidate की। Same for the C closer. It will be C. C को determine कर रहा है, C D को determine कर रहा है, तो you can say C C and D को determine कर रहा है। ऐसे ही D सिर्फ D को determine कर रहा है, इसके अलावा किसी को determine नहीं कर रहा। तो यानी ना तो C can be a candidate की, ना D can be a candidate की। तो there will be only one candidate की in the table, that is A. यहाँ पे guys एक बहुत ही आपको केयरफुल होना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि लाइक ए बी, कई बार हम दो एट्रीब्यूट्स को मिला के उनका
क्लोजर चेक करते हैं, तो ए बी अगर कंबाइंड है उनका क्लोजर चेक करें तो ए बी को तो डिटरमाइन कर ही लेंगे बिकॉज इट इज अगेन अ सेल्फ रूल, ए बी खुद को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब यहां भी अगर चेक करें कि अकेला ए बी बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी से हम सी को डिटरमाइन कर लेंगे और सी से हम डी को डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है कि ए बी कैन बी अ कैंडिडेट की, बट ध्यान रखना गाइस ए बी इज नॉट अ कैंडिडेट की, इट इज नॉट अ कैंडिडेट की बिकॉज कैंडिडेट की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैंडिडेट की इज ऑलवेज मिनिमल एंड ए बी में सिर्फ ए कैंडिडेट की है, तो अगर आप उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा मिला रहे हो तो दैट विल बिकम द सुपर की, अगर आप उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा अगर एड कर रहे हो दैट विल बिकम द सुपर की। सो ए बी इज नॉट अ कैंडिडेट की ओवर देयर, इट इज एक्चुअली अ सुपर की। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, यहां पे देयर इज अ रिलेशन ए बी सी डी एंड यहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ए बी बी गोस टू सी सी गोस टू डी, यहां पे मैंने एक और ऐड कर दी डी गोस टू ए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोजर ऑफ ए। सो व्हाट इज द ए क्लोजर, ए कैन डिटरमाइन ए, ए कैन डिटरमाइन बी थ्रू ट्रांजिटिव, ए कैन डिटरमाइन सी थ्रू ट्रांजिटिव, सी ए कैन डिटरमाइन डी। तो यानी ए ने सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर लिया रिलेशन के अंदर, तो यानी ए विल बी द कैंडिडेट की। चेक द रिलेशन क्लोजर ऑफ बी, बी कैन डिटरमाइन बी थ्रू बी वी कैन डिटरमाइन सी एंड थ्रू सी वी कैन डिटरमाइन डी, बट यहां पे देखो थ्रू डी आई कैन डिटरमाइन ए, तो मींस बी के क्लोजर ने भी सारों को डिटरमाइन कर लिया, तो यानी बी विल बी द कैंडिडेट की। सेम फॉर द सी, सी कैन डिटरमाइन सी, डी डी से हम ए को डिटरमाइन कर सकते हैं, ए से हम बी को। सेम फॉर द डी, डी डी से हम ए को डिटरमाइन कर सकते हैं, ए से बी को एंड बी से सी को। तो यानी यहां पे मेरी कैंडिडेट की क्या बनी, और विल बी द कैंडिडेट की ए बी सी एंड डी। तो हाउ मेनी कैंडिडेट कीज आर देयर, फोर कैंडिडेट कीज। और यहां पे ध्यान रखना गाइस अगर कैंडिडेट की आपकी आ गई उसके साथ आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो दैट विल बिकम द सुपर की, तो इसीलिए यहां पे सिर्फ चार कैंडिडेट की बन रही है, दैट इज ए बी सी एंड डी। अब आपको एक और चीज यहां पे एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट जब आप की कैंडिडेट की फाइंड कर लोगे उसके बाद ही आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द प्राइम एट्रीब्यूट। Prime attribute is actually the attribute which is used in making of the candidate key, जो candidate key की formation में use होते हैं। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान दे रखो relation में A, B, C, D चार attribute हैं और candidate keys में A, B, C, D चारों attribute हैं। तो what will be the prime attribute over there? Prime attribute is A, B, C, D. All are prime attribute. So what will be the non-prime attribute? Non-prime attribute will be null, because चारों attribute जो है relation के वो चारों के चारों use हो गए candidate की को बनाने में, तो इसीलिए five will be the non-prime। और अगर यहाँ पे आप देखें तो what is the candidate की over there? A, तो what will be the prime attribute? Prime attribute will be A only, and what is the non-prime attribute? B, C, D. ये तीनों क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट इज एक्चुअली द एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू मेक कैंडिडेट की, कैंडिडेट की को बनाने में जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। तो गाइस ये है दोनों एग्जांपल, आप नोट कर लीजिए। देन लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एग्जांपल, देयर इज अ रिलेशन R, A, B, C, D, E एंड दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन टू। अब यहां पे गाइस एक आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें क्लोजर कितने एट्रीब्यूट्स का लेना है, जैसे यहां पे आपने ए का क्लोजर लिया, बी का लिया, सी का लिया, डी का लिया, तो किस तरीके से आपको डिटरमाइन करना है कि मतलब मेरे कैंडिडेट की में ये चीज आएगी। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को एक अनदर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज में यू हैव टू चेक फर्स्ट कि राइट साइड में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ रहे हैं, मीनिंग ऑफ दैट इज
जो जो एट्रीब्यूट्स राइट साइड में आ रहे हैं वो सारे डिटरमाइन हो रहे हैं, वो सारे डिटरमाइन हो रहे हैं, यानी बी डिटरमाइन हो रहा है, डी भी डिटरमाइन हो रहा है, सी भी डिटरमाइन हो रहा है, ए भी डिटरमाइन हो रहा है, मतलब ए बी सी डी चारों डिटरमाइन हो रहे हैं। बट गाइस अगर यहां पे आप देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, बट ई नहीं आया, तो इट मींस यहां पे इसका फंडा क्या है कि ई राइट साइड पे तभी आ सकता है अगर ई लेफ्ट साइड में होगा। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि यानी जितनी भी कैंडिडेट की बनेंगी, अभी हमें नहीं पता कि कौन कौन सी कैंडिडेट की होंगी, कितनी कैंडिडेट की होंगी, लेकिन ईच एंड एवरी कैंडिडेट की मस्ट कंटेन ई, क्योंकि ई अगर लेफ्ट साइड में आएगा तभी वो राइट साइड में भी लिखा जाएगा। तो यानी अगर आपको ई लाना है तो आपको लेफ्ट साइड में ई होना ही पड़ेगा। एक बार फिर बता देता हूं, यू हैव टू चेक राइट साइड पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, बी डी सी एंड ए यू कैन राइट। जो एट्रीब्यूट राइट साइड पे नहीं आ रहा यानी वो लेफ्ट साइड में होना ही चाहिए, लेफ्ट साइड में मतलब कैंडिडेट की को बनाने में वो यूज होगा ही होगा। अब अगर आप चेक कर लो अकेले ई का क्लोजर, अगर हम ई का क्लोजर चेक करें तो ई कैन डिटरमाइन ई, ई कैन डिटरमाइन सी, ओनली सी। तो यानी ई अकेला कैंडिडेट की नहीं है बट ई यूज होगा कैंडिडेट की को बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट विद द लाइक, हम स्टार्ट करते हैं इसको। इफ आई चेक द क्लोजर ऑफ ओनली ए, इफ आई चेक द क्लोजर ऑफ ए, और जैसा कि मैंने बोला लेफ्ट साइड में ई आएगा ही आएगा, तो हमें ए और ई का कंबाइंड चेक करते हैं। तो ए का क्लोजर व्हाट ए कैन डिटरमाइन, ए कैन डिटरमाइन बी एंड ई आल्सो, थ्रू ई आई कैन डिटरमाइन सी, बिकॉज ए ई कैन डिटरमाइन ए ई एंड ए कैन डिटरमाइन बी, तो मैंने ए बी ई लिख ली। ई से आई कैन डिटरमाइन सी, तो यानी ए बी सी ई, एंड नाउ आई एम हैविंग टू एट्रीब्यूट्स बी एंड सी, मेरे पास दो एट्रीब्यूट आ गए बी एंड सी, और यहां पे चेक करो सेकंड फंक्शन डिपेंडेंसी, बी सी कैन डिटरमाइन डी, तो यानी मैं डी को भी डिटरमाइन कर सकता हूं, एंड डी से मैं ए को, ए जो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा दोबारा इसको नहीं मेंशन करना। तो चेक करो आप ए बी सी डी ई, और ओरिजिनल टेबल में हमारे पास कितने ए बी सी डी ई गाइस, तो यानी ए ई यहां पे कैंडिडेट की, तो मेरे को यहां पे फर्स्ट कैंडिडेट की मिल गई मेरे को ए ई। नाउ व्हाट कैन बी द सेकंड कैंडिडेट की ओवर देयर, सेकंड कैंडिडेट की आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, लाइक बी और ई का क्लोजर चेक कर सकते हो, सी और ई का क्लोजर चेक कर सकते हो, डी ई का क्लोजर चेक कर सकते हो। बट अगर हम देखें यहां पे लाइक बी और ई का क्लोजर, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, बी ई से मैं बी ई को डिटरमाइन कर सकता हूं, एंड ई से मैं सी को डिटरमाइन कर सकता हूं, बी सी से आई कैन डिटरमाइन डी, बी एंड सी मेरे पास आ गए उनसे मैं डी को डिटरमाइन कर सकता हूं, डी से मैं ए को डिटरमाइन कर सकता हूं। तो यस बी ई कैन डिटरमाइन अगेन ऑल द एट्रीब्यूट्स, सो बी ई कैन बी द कैंडिडेट की ओवर देयर। लेकिन उससे बेटर एक सोल्यूशन और है, आप उसको भी चेक कर सकते हो कि अगर आपके पास एक कैंडिडेट की आ गई ए ई, अगर आपके पास एक कैंडिडेट की आ गई आपको मिल गई ए ई विल बी द कैंडिडेट की, तो आप क्या चेक करो, आइदर ए और ई प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड, क्या ए और ई में से कोई वैल्यू राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो चेक करते हैं लाइक ए, ए किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, यस आई गॉट इट, ए बी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिप्लेस ए विद डी। यू हैव टू चेक ए इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड, मतलब ए अगर डी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो मैंने ए से रिप्लेस कर दिया किसको, डी को। तो यहां पे अब मेरी कैंडिडेट की अगर मैं डी ई, मेरे पास अब डी और ई दोनों आ गए, अब मैं चेक कर रहा हूं डी और ई का क्लोजर, तो डी ई के क्लोजर से डी ई तो आएगा ही आएगा, डी से मेरे पास ए आ गया, और अब आप ध्यान से देखो ए ई दोनों आ गए, ए इज ऑलरेडी ए कैंडिडेट की, तो मीन्स यू कैन क्लियरली से दे कैन डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे मेरे पास दो कैंडिडेट की आ गई ए ई डी ई। नाउ वन मोर थिंग यू कैन डू,
अभी आपने चेक किया है कि ए किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है या नहीं। हाँ, ए डी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। अब चेक करो ई किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ गया डी, चेक करो डी किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, यस डी इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड ऑफ बी एंड सी। तो यानी आप डी को यहां पे मैं लिख देता हूं, डी को आप रिप्लेस कर दो बी से, तो बी एंड ई का क्लोजर। एंड डी को आप रिप्रेजेंट कर सकते, डी को आप रिप्लेस कर सकते हो सी से भी, तो सी एंड ई का क्लोजर। अब चेक कर लीजिए बी एंड ई का क्लोजर, बी ई से मेरे पास बी ई तो आएगा ही आएगा, इवन वी हैव ऑलरेडी चेक दैट, बट एक बार फिर देख लीजिए बी ई से मेरे पास बी ई आया, ई से मेरे पास सी आया, अब बी सी से डी आया, डी से ए आया, मींस ऑल द एट्रीब्यूट्स आर हियर। एंड नाउ सी ई, सी ई से मेरे पास सी ई बिकॉज इट इज अ सेल्फ लूप, इसके बाद मेरे पास यहां पे ई से सी आ गया, एंड नाउ नो सी ई विल नॉट बी द, सी ई से मेरे पास कोई डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो यानी सी ई विल नॉट बी द कैंडिडेट की। तो यहां पे मेरे पास तीन कैंडिडेट की यहां पे बन के आ गई, ए ई डी ई एंड बी। अब आप चेक कर सकते हो क्या बी भी किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, यस बी भी ए के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। और अगर आप बी को रिप्लेस करोगे ई ए से, बी को अगर आप रिप्लेस करोगे ए से, तो ये बन जाएगी ए ई जो कि ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है। ठीक है गाइस, तो आप ये मेथड आप यूज कर सकते हो, इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो वीडियो को, तो आपको क्लियरली यहां पे समझ आ जाएगा कि हाउ टू मेक द कैंडिडेट कीज इन द टेबल। और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चाहे गेट का एग्जाम है, चाहे आपके नॉर्मल एग्जाम है कॉलेजेस के, दोनों में आपको हेल्प करेगा ये मेथड टू फाइंड ऑल द कैंडिडेट कीज इन द टेबल एंड हाउ मेनी प्राइम एट्रीब्यूट्स आर देयर एंड हाउ मेनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर देयर। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से बने आपके, यहाँ पे आप लिख लो प्राइम एट्रीब्यूट्स विल बी, प्राइम एट्रीब्यूट्स विच आर यूज टू फॉर्म द कैंडिडेट की। तो यहाँ पे ए यूज हो रहा है कैंडिडेट की को बनाने में, डी यूज हो रहा है, बी को यूज हो रहा है, ई का यूज हो रहा है, तो यानी ये चारों क्या है प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टोटल टेबल में जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से ये चारों माइनस कर देते हैं, तो एक आपका बचा सी, तो सी विल बी द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। दैट्स ऑल।